हेलो 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 जी, हेलो की हाल चाल जी। चलो, सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली 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 बहुत टाइम से जिसकी आपको इंतजार थी, और जो मैं काफी टाइम से आपसे बोल रहा था कि जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास आएंगी आएंगी आएंगी, तो फाइनली आज से वो टाइम आ चुका है सर। हम जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास की जर्नी आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ना बस ये टेंशन थी कि सर, अब जब 14 घंटे की रिविजन क्लास डालोगे ना, तो प्लीज उससे पहले हमारी अमेंडमेंट सारी करवा दो, ताकि जब हम रिवीजन करेंगे उसमें हमें कोई दिक्कत ना हो। तो आपने बोला, और मैंने आज तक आपकी बात कब नहीं सुनी, बस ये बताना। इट मीन बहुत सारे बच्चों ने बोला, मुझे लगा कि चाहे मुझे शाम को बैठ के रिकॉर्डिंग करनी पड़े, पूरी फैमिली के लिए मैं आज रिकॉर्डिंग जरूर करूंगा, अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 आर में जरूर लेके आऊंगा। और इवन आज नहीं, अब आने वाले जितने भी आपके दिन होंगे ना, डेली बेस पर जीएसटी के अमेंडमेंट आपकी आएंगी। अप्रोक्सीमेटली लगा लो 6 से 7 अमेंडमेंट क्लास होंगी। अब जैसे ही मैंने बोला ना 6 से 7 अमेंडमेंट क्लास होंगी, एक बच्चा कहता है, ओ तेरी का, सर ने तो कहा था बस 2 अमेंडमेंट क्लास आएंगे, अब 7 कैसे हो गई, इतनी सारी अमेंडमेंट आई हैं। नालायक, सुनो तो सही पहले मेरी बात। 2 अमेंडमेंट क्लास मैंने तब कहा था कि जब मैं कंप्लीट बड़ी बड़ी अमेंडमेंट क्लास डालता ना, फिर आपकी 2 ही बनती। बट मैंने बैठ के सोचा कि अगर मैं चैप्टर वाइज अमेंडमेंट डालूंगा वो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि जिस चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट होगी ना, तो आपको देखते पता लग जाएगा भाई ये चैप्टर के अमेंडमेंट है, मुझे ये चैप्टर आज रिवाइज करा ताकि मेरा चैप्टर खत्म हो जाए। अब अगर मैं दो दो तीन तीन घंटे की अमेंडमेंट क्लास डालूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है मेरी फैमिली के सारे बच्चे कंप्लीट अमेंडमेंट क्लास देखेंगे नहीं, उनके अमेंडमेंट क्लास मिस हो जाएगी, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो पूरी फैमिली के लिए मैं हर चैप्टर की अमेंडमेंट क्लास अलग अलग डालूंगा, हर चैप्टर में जो अमेंडमेंट्स होंगी अच्छे से समझेंगे, विद एग्जाम्पल समझेंगे, तो आपकी जितनी प्रॉब्लम्स होंगी ना वो सारी आज यहां पर मैं दूर कर दूंगा। ठीक है जी, अब तो खुश हो, अब तो नाराज नहीं हो ना? तो अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज भी डालना है कि आप खुश हो या नहीं, और अमेंडमेंट समर में आई नहीं आई। सर अगर मैं आपके लिए हार्डवर्क कर रहा हूँ ना, तो आपको डबल हार्डवर्क करना है, आपको जून में एग्जाम निकालने भी हैं, अच्छे नंबर से निकालने हैं, सारी डिस्ट्रेक्शन दूर करके आपने निकालने हैं। और जो बिना बात की अफवाहें फैल रही हैं अभी तक कि जून में एग्जाम डिले होंगे, ये होंगे, कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं है, होंगे तो आईसीएसआई नोटिफाइड कर देगा। सीए वालों के एग्जाम लेट हो चुके हैं, बट हम ये नहीं कह रहे कि हमारे एग्जाम भी लेट होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एग्जाम जून में है। भगवान करे सब कुछ बढ़िया से पहले ही सही हो जाए ताकि जून में एग्जाम हो, बट अगर डिले होंगे तो सीएस वाले बता देंगे, तो प्लीज आप उसकी टेंशन मत लो, आपने अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। अब मैं आपको इनकम टैक्स के अमेंडमेंट पहले ही डाल चुका हूँ, जीएसटी के अमेंडमेंट आज से डालने स्टार्ट कर रहा हूँ। अब प्लीज ये मत बोलना कि सर अमेंडमेंट डली नहीं है, तो आज से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। आपने बस एक काम करना है, हर बच्चे के साथ ना मैक्सिमम शेयर करनी है कि भाई जीएसटी के अमेंडमेंट क्लास सर डालना स्टार्ट कर चुके हैं, तो फटाफट से आज आप डेली अमेंडमेंट देखनी है और डेली जीएसटी की रिविजन करनी है। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और, जो बच्चे कहते हैं कि सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों के लिए है, यस ये अमेंडमेंट दोनों के लिए है, बट सीएस प्रोफेशनल की कुछ आपके एडिशनल टॉपिक होंगे तो उनकी मैं अलग से अमेंडमेंट क्लास डालूंगा, बट जो अभी आने वाली जितनी अमेंडमेंट क्लास होंगी वो दोनों को देख के चलनी है, क्योंकि स्टार्टिंग प्रोविजन दोनों में सेम होते हैं, तो अमेंडमेंट दोनों के अंदर सेम ही एप्लीकेबल होंगी। तो चाहे वो एग्जीक्यूटिव की फैमिली के बच्चे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल के हैं, सबने अमेंडमेंट क्लास यहाँ पे जरूर देखनी है। ठीक है जी, पक्का पक्का। अब आप खुश हो रहे हैं ना, मैं आपको देख के बहुत खुश हो रहा हूँ, जो आपके चेहरे पे स्माइल है ना, लव यू सो मच यार, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ आपसे, और बिलीव मी एक ऐसा दिन आएगा ना आप भी अप्रिशिएट करोगे मुझे, मैं उस मुकाम पे आपको पहुंचाना चाहता हूँ, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा लाइफ में। ठीक है जी, चलो इधर देखना ध्यान से। अब बच्चा ये बात कहता है, सर आज अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 में आप टॉपिक कौन सा डालोगे जी? अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 में हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे सप्लाई का। याद करो मेरी बुक में जब आपका हमने क्लास के अंदर चैप्टर किया होगा ना, तो चैप्टर नंबर 4 आपका होगा सप्लाई का। उस चैप्टर 4 में टोटल 2 अमेंडमेंट आई हैं और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इवन मैं ये बच्चे जो मेरे ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे हैं उनको भी अमेंडमेंट क्लास भेजूंगा, उनको भी देखनी होगी, क्योंकि अमेंडमेंट हमने क्लास में उस टाइम डिस्कस नहीं की थी, मैंने कहा क्लास के बाद में कराऊंगा, बट आपने मुझे नलायक को ध्यान ही नहीं कराया और पूरे सारे लेक्चर हमारे खत्म हो चुके हैं, तो मैंने अब बैठ के देखे, मैंने कहा अमेंडमेंट तो हमारी रह गई, तो ये सारी के सारी अमेंडमेंट में ये वाली सिर्फ चैप्टर की, बाकी सब अमेंडमेंट हमने क्लास में कर ली थी, ये अमेंडमेंट थी, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी भेजूंगा, उन्होंने भी जरूर देखनी है। ठीक है जी, चलो इधर सुना ध्यान से। अब सबसे पहला जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो टॉपिक हमारा है सप्लाई का। अब इस सप्लाई के चैप्टर में अमेंडमेंट आई कहां पर है, उसको समझने से पहले एक बार ये समझते हैं कि सप्लाई में आपने अभी तक क्या पढ़ा होगा। और मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं सर, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, किसी भी टीचर से पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अमेंडमेंट आपको समझा दूं, ताकि आपको ये लगे ही ना कि आपने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ। इधर सुना ध्यान से, अब जब भी आपने सप्लाई का चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो नॉर्मली आपको क्लास के अंदर ये बात बताई गई होगी कि जीएसटी आपका सप्लाई पर लगता है, टैक्सेबल इवेंट हमारा सप्लाई है, और सप्लाई किसे कहते हैं वो सारी की सारी बातें सेक्शन नंबर 7 में होती है। और याद करो मैंने पहले भी कहा था कि जीएसटी ये लाइफ में कभी मत बोलना सेल पर है सर्विस पर है,
सेल पर, सर्विस पर जीएसटी लगता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये सब कुछ सप्लाई में कवर होता है, तो जो भी काम मेरा सप्लाई में कवर होगा उस पर जीएसटी लगेगा। अगर मेरा काम सप्लाई में कवर ही नहीं होगा उस केस में जीएसटी की बात भी नहीं होगी। याद करो जिस टाइम हमने सेक्शन 7 सप्लाई का किया था ना, तो सेक्शन 7 के मैंने कहा था कि आपके टोटल मिला के 4 पॉइंट वहां पर आते हैं। एक तो 7-1 आपका वहां पर आता है, एक 7-1A आपका वहां पर आएगा, एक 7-2 वहां पर होगा और एक 7-3 वहां पर होगा। उस टाइम मैंने कहा था कि 7-3 गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी, तो 7-3 नॉर्मली हमारे किसी काम का नहीं है, तो अमेंडमेंट उसके अंदर आई भी नहीं है। 7-1 में याद करो क्या लिखा था, 7-1 में क्या लिखा होता था कि 7-1 में लिखता था कि भैया कौन से काम सप्लाई में कवर होंगे, वो सारी की सारी बातें 7-1 में थी। 7-1A में क्या लिखा होता था कि जो भी काम 7-1 में सप्लाई बनेंगे ना, वो किसकी सप्लाई बनेंगे, वो सारी बातें 7-1A में थी। और कौन कौन से काम ना तो गुड्स की सप्लाई बनेंगे ना ही सर्विस की सप्लाई बनेंगे, वो सारी की सारी बातें 7-2 में थी, अगर आपको ध्यान आता हो। 7-1 जब हमने किया था क्लास में, तो 7-1 के 3 क्लोज हमने किए थे, 7-1A, 7-1B और 7-1C। इन तीनों में कोई भी अमेंडमेंट नहीं आई, इट मीन्स जो आपने पहले क्लास के अंदर पढ़ा था दिसंबर 19 में, वही सेम नोट्स आपके एप्लीकेबल होंगे, इसमें सिंगल अमेंडमेंट भी एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद 7-1A जो हमारा क्लासिफिकेशन का था, जो हमने शेड्यूल 2 किया था, अगर आपको ध्यान आता, टोटल 7 पैरा थे, 18 एंट्री थी, 5 गुड्स वाली थी, 13 सर्विस वाली थी, उसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं आई। इट मीन्स जो आपने दिसंबर 19 तक पढ़ा, जून 20, दिसंबर 20 दोनों के लिए सेम लॉ एप्लीकेबल है, अमेंडमेंट यहाँ पर नहीं आई है। फिर एक 7-2 हमने पढ़ा था, 7-2 के अंदर मैंने कहा था कि आपका एक शेड्यूल 3 आता है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, उस शेड्यूल 3 के अंदर मैंने कहा था कि टोटल आपके 8 काम आते हैं, उस 8 काम को ना तो हम गुड्स की सप्लाई मानते हैं ना ही सर्विस की सप्लाई मानते हैं, उसके अंदर भी कोई अमेंडमेंट नहीं आई। अब बच्चा ये बात कहता है, सर ना तो अमेंडमेंट 7-1 में है, ना अमेंडमेंट 7-1A में है, और ना अमेंडमेंट 7-2 के शेड्यूल 3 में, फिर अमेंडमेंट आई कहां पर है? अब प्लीज ध्यान सुना, अमेंडमेंट आई कहां है? अब जो आपकी बुक में ना 7-2 दिया हुआ था, तो 7-2 में ना टोटल 2 क्लोज थे, क्लोज नंबर ए और क्लोज नंबर बी। जब हमने क्लास में क्लोज नंबर ए किया था ना, तो मैंने कहा था शेड्यूल 3 होगा, टोटल मिला के 8 काम होंगे, उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, 8 काम हमने क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। और जब क्लोज नंबर बी की बात मैंने बोली थी, तो मैंने कहा था कि कुछ गवर्नमेंट के ऐसे काम होंगे जो गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी कि इन काम को हम सप्लाई नहीं बनाएंगे और उस काम पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बस अमेंडमेंट वहां पर आई है, 7-2 के क्लोज नंबर बी में एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इशू कर चुकी है कि भैया अगर ये वाला काम होगा ना, तो इसको गुड्स और सर्विस की सप्लाई मत बनाना, इट मीन्स इस काम पर जीएसटी एप्लीकेबल मत करना। तो अमेंडमेंट कहां पर आई है, दोबारा बोलो अमेंडमेंट कहां पर है? 7-1 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, 7-1A में कोई अमेंडमेंट नहीं है, 7-2 का क्लोज नंबर ए शेड्यूल 3 उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, 7-2 का जो क्लोज नंबर बी था जिसमें गवर्नमेंट ये बात बोलती थी कि अगर हम कोई काम करेंगे उस काम को यहां से बाहर निकाल देंगे, कौन से काम को? जो हम नोटिफाइड करेंगे। तो फाइनली नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इशू कर चुकी है, अब कौन सी नोटिफिकेशन इशू की है, उसमें कौन से काम को बाहर निकाला है, अब हमें यहां पर यह करना है। तो एक बार चेक करना, देखो यहां पर ये देखो, ये क्लोज नंबर बी मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, क्लोज नंबर बी में ये लिखा होता था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी कोई भी एक्टिविटी करेगी, कैसे एक्टिविटी करेगी, एज ए पब्लिक अथॉरिटी, तो उस काम पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक बच्चा बोलता, सर कि आपने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी कोई भी एक्टिविटी करेगी और वो एक्टिविटी करेगी एज ए पब्लिक अथॉरिटी, तो उस काम पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है? पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है कि उसमें कोई उनका बिजनेस का मोटिव ना हो। इट मीन्स जो भी गवर्नमेंट ने कोई काम किया हो, पब्लिक के लिए किया हो, पब्लिक के बेनिफिट के लिए किया हो, पब्लिक के उसके अकॉर्डिंग किया हो, इट मीन्स उसमें कमर्शियल इंस्टांस ना हो, सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी हो, तो गवर्नमेंट बोलती है कि उस काम को हम नोटिफाइड करेंगे और उस नोटिफिकेशन में जो काम हम बोलेंगे ना, उस काम पर तुम जीएसटी मत लगाना। तो फाइनली यहां पर देखो मैंने क्या बोला, न्यू नोटिफिकेशन अब यहां पर आ चुकी है, और जो भी ये नोटिफिकेशन अब गवर्नमेंट ने इशू किए ना, तो अगर आपके एग्जाम में अब ये क्वेश्चन बनता है कि इस काम पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, आंसर इज नो, क्योंकि अब यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। नोटिफिकेशन इशू कब की है? इस नोटिफिकेशन नंबर है 25/2019, ये उस नोटिफिकेशन का नंबर है। अगर आपको कभी गूगल पे सर्च करनी होती है ना, तो आप अगर गूगल पे लिखोगे नोटिफिकेशन नंबर 25/2019, तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने निकल के आ जाएगी। इस नोटिफिकेशन में देखो क्या लिखा है, इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने निकाला है ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस, कि अगर गवर्नमेंट एल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस ग्रांट करेगी तो उस काम को हम जीएसटी से बाहर निकाल देंगे, उस काम पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक बच्चा कहता है, यार
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर ने ना यहाँ पर हमें गलत बोल दिया कि क्योंकि लाइस अल्कोहलिक लीकर तो पहले ही जीएसटी से बाहर है, और अगर अल्कोहलिक लीकर पहले ही जीएसटी से बाहर है तो उस पर तो जीएसटी वैसे ही नहीं लगता। तो अगर उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, फिर ये गवर्नमेंट अमेंडमेंट क्या लेकर आई है, उसके अंदर मुझे डाउट आ रहा है। इधर देखो ध्यान से, यही हर बच्चा मार्केट में जो इस टाइम है ना, उसको ये समझ ही नहीं आ रही अमेंडमेंट है क्या। और मैंने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम बनाने का रीजन सिर्फ एक है कि आपको समझ में आया अमेंडमेंट है क्या। इधर सुना ध्यान से, अमेंडमेंट आई क्या है, एक बात मैंने सोच के बताना सर। एक सप्लायर है, वो सप्लायर जो है ना इस पर्सन को एल्कोहलिक लीकर की सप्लाई कर रहा है। अब अगर ये सप्लायर इस पर्सन को एल्कोहलिक लीकर की सप्लाई करेगा ना, तो गवर्नमेंट ये बात बोलती थी आर्टिकल 366 में लिखा था, जो जीएसटी की डेफिनेशन का था, कि जीएसटी हर गुड्स की सप्लाई पर लगेगा बट एल्कोहलिक लीकर की सप्लाई पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर इस पर्सन ने इस पर्सन को लीकर की सप्लाई की ना, तो गवर्नमेंट ने बोला उस केस में जीएसटी नहीं है। रीजन क्या था, आर्टिकल 366 जीएसटी की डेफिनेशन से बाहर किया था, तो गवर्नमेंट ने बोला उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बट जीएसटी एप्लीकेबल ना होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो मैंने क्लास में भी कहा था कि जो भी आपके ओल्ड टैक्स होंगे ना, वो एप्लीकेबल होंगे। ओल्ड टैक्स कौन कौन से हैं, एक तो एक्साइज और एक वैट और एक सीएसटी, जो भी ओल्ड टैक्स होंगे इस पर एप्लीकेबल होंगे, बट जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अमेंडमेंट यहां पर नहीं आई, ये पहले भी सेम है, आज भी सेम है, अमेंडमेंट देखो आई क्या है। अब एक बात मैंने सोच के बताना सर, आर मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आर मार्केट में जितने भी लोग शराब बेच रहे हैं, आर मार्केट में जितनी भी शराब की दुकानें हैं, आपने अगर कभी भी देखा हो ना, उसमें लिखा होता है सरकारी शराब की दुकान या अप्रूव बाय गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, आप क्या सोचते हो, इट मीन्स अगर आज मान लो मुझे शराब की दुकान खोलनी है, तो क्या मैं अपने घर में शराब की दुकान खोल के बैठ जाऊंगा, सर कल गवर्नमेंट मुझे पकड़ के ले जाएगी। तो मे बी अगर आपको बताओ कि जिसने भी शराब की दुकान खोलनी है, जिसने लीकर की दुकान खोलनी है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको लाइसेंस देती है। अब लाइसेंस जब देगी, तो उस लाइसेंस देने को ना, कई लोग ये बोलते थे कि भैया लाइसेंस देना जीएसटी के दायरे में आएगा, इट मीन्स वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, उस केस में जीएसटी लगेगा। क्योंकि लॉ में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं था कि अगर गवर्नमेंट इस सप्लायर को लाइसेंस अलॉट करेगी और इस लाइसेंस के बदले में जो वो कंसीडरेशन पे करेगा ना, उस काम पर जीएसटी नहीं है, ऐसा कहीं लॉ में लिखा नहीं था। तो बहुत सारी मार्केट में लिटिगेशन थी, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट थे, तो फाइनली गवर्नमेंट ने अब आर्ग्यूमेंट क्लोज कर दिए। अब वो क्लोज करके गवर्नमेंट ने क्या लिखा, देखो मैं आपको दिखाता हूं, एक बार चेक करो यहां पर देखो। अब गवर्नमेंट ने अगर इस सप्लायर को लाइसेंस दिया कि आपने बिजनेस स्टार्ट करना है लेकर का, तो उस केस में सप्लायर ने क्या किया होगा, इसको लाइसेंस फीस पे की होगी, इसकी एप्लीकेशन फीस पे की होगी, या जो भी कोई फीस पे की होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब इस काम पर ना हम कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे, बस बात खत्म। इट मीन्स अभी तक यहां पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 7(2) का क्लोज नंबर बी था, जो 7(2) का क्लोज नंबर बी था, उसमें अपनी पावर को यूज करके एक नोटिफिकेशन निकाल दी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वैसे लीकर का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है लीकर का लाइसेंस अलॉट करती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है लीकर का लाइसेंस अलॉट करती है, उस लाइसेंस के बदले में जो कंसीडरेशन रिसीव करती है ना, उस काम को हम जीएसटी से बाहर निकाल रहे हैं, उस काम पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मुझे फटाफट से बोल देना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सप्लायर ने इस पर्सन को लीकर की सप्लाई की, वो तो पहले ही बाहर था, उस पर पहले ही जीएसटी था। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये बन गया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने सप्लायर को लाइसेंस ग्रांट किया, उसके बदले में सप्लायर ने लाइसेंस फीस की पेमेंट की है, क्या इस काम पर अब जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि 7(2) क्लोज नंबर बी, वहां पर एक नोटिफिकेशन आ चुकी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये लाइसेंस ग्रांट करेगी ना, तो उस काम पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा अब सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, अब प्लीज ध्यान सुनना। अभी देखो मैंने यहां पर लिखा था कि सच एक्टिविटी, अभी तक यहां पर जीएसटी लगता था, क्योंकि प्रॉब्लम सी बात है, क्योंकि लोग ये बात बोलते थे भाई लाइसेंस तुमने दिया बदले में कंसिडरेशन दिया, तो जीएसटी तो लेना पड़ेगा। तो यहां पर ना कई लोगों के व्यूज क्या थे, जीएसटी नहीं लगेगा, कई लोगों के व्यूज क्या थे, जीएसटी लगेगा क्योंकि सर्विस है। तो फाइनली अब गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया कि भैया अब इस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, लाइसेंस वाले काम पर बस ये पर ध्यान दो। अच्छा अब जब ये नोटिफिकेशन आई ना, अब जब ये नोटिफिकेशन आई, तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ गया। लोगों के मन में डाउट क्या आया, सबसे पहला डाउट ये निकल के आ गया कि क्या गवर्नमेंट ने सारे ही लाइसेंस बाहर निकाल दिए या लीकर के लाइसेंस बाहर निकाले हैं। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, सोच समझ के बोला, जो ये अमेंडमेंट हमने की है, क्या मैंने आपको ये बोला है, क्या मैंने आपको ये बोला है, क्या जो भी गवर्नमेंट है कोई भी लाइसेंस अगर अलॉट करेगी, उसके बदले में जो भी कंसीडरेशन लेगी,
वो सब जीएसटी से बाहर हो गए, ये अल्कोहलिक लीकर वाले, ओनली अल्कोहलिक लीकर वाले। अब जब गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट लेकर आई तो जिन लोगों को टेलीकम्युनिकेशन के लाइसेंस मिलते हैं, जिन लोगों को माइनिंग के लाइसेंस मिलते हैं, जिन लोगों को अदर लाइसेंस मिलते हैं, तो सबने क्या बोला कि हम भी यहां पर कवर होंगे, हमें भी जीएसटी पे नहीं करना। लोग गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, सर्कुलर इशू किया दोबारा से कि भैया हमने ऐसा कहीं नहीं लिखा, हमने साफ साफ लिखा है कि अगर गवर्नमेंट लीकर का लाइसेंस देगी उस काम पर जीएसटी नहीं है, अगर गवर्नमेंट कोई और लाइसेंस देगी लाइबल टू पे जीएसटी। बस एक बात ध्यान देना, देखो यहां पर मैंने क्या बोला कि जब गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन लेकर आई तो एक प्रॉब्लम क्या राइज हुई, प्रॉब्लम ये राइज हुई कि लाइसेंस इन अदर केसेस, जैसे टेलीकॉम लाइसेंस हो गया, कोल ब्लॉक लाइसेंस हो गया, माइनिंग का लाइसेंस हो गया, उस केस में गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन क्या निकाला, एक सर्कुलर निकाला, और सर्कुलर में क्लेरिफिकेशन क्या निकाली कि अबव एक्सक्लूजन जो है नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर लाइसेंस, देयरफॉर जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सच लाइसेंस। इनमें सब मुझे फटाफट से बोल देना कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, अमेंडमेंट का कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन इतना छोटा सा है, अमेंडमेंट बिल्कुल छोटी सी है, बट एग्जाम में बहुत काम किया। मैं दोबारा बोलूंगा, अमेंडमेंट बिल्कुल छोटी सी है बट एग्जाम में बहुत काम की है, और एक एग्जाम में कन्फर्म एक नंबर की बन सकती है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लाइसेंस दिया लीकर का, इसने लाइसेंस फीस पे की है, क्या इस एक्टिविटी पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। 7(2) क्लोज नंबर बी, उसमें नोटिफिकेशन अब इशू हो चुकी है, इस काम पर जीएसटी नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन बना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेलीकॉम का लाइसेंस दिया और उस टेलीकॉम के लाइसेंस के बदले में उसने लाइसेंस फीस पे की, तो क्या इस एक्टिविटी पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, यस लगेगा। नोटिफिकेशन लाइसेंस के लिए नहीं आई, ओनली अल्कोहलिक लीकर के लाइसेंस के लिए आई है। आपको मैं दिखाता भी हूं, जिन बच्चों के पास मेरी बुक होगी ना जीएसटी की, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि लास्ट में जीएसटी अमेंडमेंट वाला एक चैप्टर दिया हुआ है, तो उसमें सबसे पहले अमेंडमेंट देखो, सप्लाई के चैप्टर में यही लिखी हुई है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस इज नाइदर ए सप्लाई ऑफ गुड्स और नोर ए सप्लाई ऑफ सर्विस। तो वही क्लैरिफाई करते, देखो यहां पर क्या लिखा है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7(2) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द फॉलोइंग एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट इन विच दे आर एंगेज एज द पब्लिक अथॉरिटी टू बी ट्रीटेड नाइदर ए सप्लाई ऑफ गुड्स और नोर ए सप्लाई ऑफ सर्विस। उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस और एप्लीकेशन फीस और बट वट एवर नेम कोल्ड, उस काम पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये नोटिफिकेशन नंबर आपका ये वाला है। फिर मैंने क्या बोला, एक डाउट आया, डाउट क्या आया, जो अगर गवर्नमेंट और लाइसेंस अलॉट करती है उसके बदले जो पैसा लेती है उस काम पर क्या होगा। देखो ये क्या लिखा, सर्कुलर एक गवर्नमेंट ने इशू किया 11 अक्टूबर को, हैज क्लैरिफाइड दैट द अबव स्पेशल डिस्पेंशन applies only to the supply of service by way of grant of alcoholic liquor license by the state government as the agreement between the central and state has no applicability or presents value in the relation to grant of other license and privilege for the fee in other situation where GST applicable। तो conclusion क्या निकल के आ रहा है, conclusion निकल के आ रहा है कि भैया वहां पर आपको tax देना ही पड़ेगा, आपको tax देना ही पड़ेगा अगर आपका license alcoholic liquor वाला नहीं है उस केस में GST लगेगा, और अगर अल्कोहलिक लीकर वाला लाइसेंस होगा उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट इज अमेंडमेंट नंबर 1। अब ये अमेंडमेंट वैसे ना 2 मिनट की थी, अगर मैं आके सीधा ये बोल देता ना, सीधा ये बोल देता कि अगर गवर्नमेंट अल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस ग्रांट करेगी किसी को भी उस केस में जीएसटी अब नहीं लगेगा, तो अमेंडमेंट खत्म हो जाती। बट प्रॉब्लम पता है क्या, बच्चों को मन में डाउट आता, लीकर तो पहले ही बाहर थी, तो इसलिए मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया कि भैया ये वाला हिस्सा तो पहले बाहर था, ये वाला हिस्सा तो पहले ही बाहर था, बट जब इस पर्सन को पीछे से लाइसेंस मिलता था ना उसको बाहर निकाला गया 7(2) के अंदर। तो बात समझ में आ रही है। अब इतना बोल दो, ये वाला हिस्सा बाहर कहां पर किया गया, आर्टिकल 366(12)(a) जो जीएसटी की डेफिनेशन है उससे बाहर कर दिया, और ये वाला हिस्सा बाहर कहां पर किया गया, 7(2) में जो क्लोज नंबर बी है उसमें गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली है कि अब इस काम पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का। तो ये अमेंडमेंट नंबर 1 है सप्लाई के चैप्टर में, ठीक है जी। इसके नोट्स आपने यहां पर लिख लेने हैं जी, ठीक है। आप इसके बाद फोटो क्लिक कर लोगे, और फोटो क्लिक, अब ये मैं सोचना कि खराब हो गया, थोड़ी सी वीडियो पीछे करोगे ना तो स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल क्लियर था ये, ठीक है जी। इसकी फोटो क्लिक कर लेना, और यहां पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये लो, इसकी फोटो क्लिक कर लो, ठीक है। अब ये क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि अब इस काम पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा।
फिर प्रॉब्लम क्या अराइज हुई कि जो अदर लाइसेंस है उस केस में क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफाई कर दिया कि जो अबव एक्सक्लूजन है वो अदर लाइसेंस पर एप्लीकेबल नहीं होगी, ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। दैट इज अमेंडमेंट नंबर वन, समझ में आ गई? पक्का पक्का पूरी फैमिली मुझे पीछे बोल के बताए अमेंडमेंट क्या आई है। सर आपको क्या लग रहा है हमें अमेंडमेंट समझ में नहीं आई क्या? अमेंडमेंट सर ये आई है कि अगर कोई सप्लायर लेकर की सप्लाई करेगा तो वो वैसे ही जीएसटी के दायरे से बाहर था। अब गवर्नमेंट ने बस ये बोल दिया कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज उस सप्लायर को लाइसेंस ग्रांट करती है, उसके बदले जो भी वो लाइसेंस फीस पे करेगा ना, तो इस एक्टिविटी पर भी अब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बस अमेंडमेंट आई है, यस अमेंडमेंट आई है, ठीक है जी। उसके बाद अब यहां पे देखना जी अमेंडमेंट नंबर टू क्या है। अमेंडमेंट नंबर टू भी बिल्कुल सिंपल है सर, और अमेंडमेंट नंबर टू भी ना एक क्लैरिफिकेशन है, वैसे मैं इसको अमेंडमेंट नहीं बोलता, क्लैरिफिकेशन है सर। एक बात मुझे सोच के बताना, इस अमेंडमेंट को समझने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दो। याद करो जो मैंने इनकम टैक्स में आपको एक चैप्टर करवाया था कि जितने भी आज आपके चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं या जो भी आपके रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं ना, जब आप उनको डोनेशन देते हो तो कई बार आपने देखा होगा कि जब आप डोनेशन देके आते हो ना, उस मंदिर में, उस मस्जिद में या उस गुरुद्वारे के अंदर, वहां पर एक बड़ी बड़ी प्लेट्स लगी होती है। उस प्लेट्स में क्या लिखा होता है कि जो मतलब जो इस मंदिर को डोनेशन देता है उसके नाम लिखे होते हैं। और कई बार मैंने आपको क्लास के अंदर कहा भी था कि जो लोग डोनेशन देते हैं ना, वो कई बार अपना नाम लिखवाना पसंद नहीं करते, उन्हें नहीं चाहिए कोई उसका नाम शो हो, बस मैंने डोनेशन दे दी, ऑब्वियस बात मैंने भगवान को दिए, भगवान आप में मेरा अच्छा करेगा, मुझे किसी को नाम शो नहीं करना। बट कई लोग स्पेसिफिकली चाहते हैं उनका नाम वहां पर डिस्प्ले के अंदर आए। रीजन बीइंग क्या है, लोग उनको जाने कि कौन कौन यहां पर डोनेशन देता है। अब ये सारी बातें इनकम टैक्स में हमने की थी चैरिटेबल ट्रस्ट में। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या निकल के आई जीएसटी में, अब प्लीज ध्यान सुनना। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मेरा एक मंदिर है, मेरी मस्जिद है, मेरा गुरुद्वारा है, और आप में से एक बच्चे के फादर साहब मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि सर ये 2 लाख रुपए की डोनेशन ले लो। मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने बोला कि 2 लाख रुपए की डोनेशन ले लो और इस 2 लाख रुपए को ना आप यहां पर यूज करोगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे नहीं कहा कि आपने मेरा नाम लिखना है, उन्होंने मुझे नहीं कहा आपने मेरा नाम लिख के लोगों को बताना है मैंने डोनेशन दी है, बट मैंने अपनी मर्जी से उनका नाम लिख दिया कि मिस्टर एक्स ने 2 लाख रुपए की डोनेशन दी है। अब इससे प्रॉब्लम अराइज होना क्या स्टार्ट हुई, जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला चैरिटेबल ट्रस्ट को बोला, हां जी, कि जो ये आपने इस पर्सन का नाम लिखा है ना, इट मीन्स आप इसकी मार्केटिंग कर रहे हो। अब मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, क्योंकि आपके मंदिर में अब जो भी आएगा वो इस पर्सन का नाम बार बार देखेगा और इस पर्सन का फोन नंबर भी साथ में है, उसको फोन करेगा, उनका बिजनेस कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो भैया आपने मार्केटिंग की है, और जो आप ये मार्केटिंग कर रहे हो उसके लिए आपने इसे 2 लाख रुपए ले लिए। अब वो मंदिर वाला कह रहा है, सर ये आप क्या बोल रहे हो कि मैंने कोई इसकी मार्केटिंग नहीं की, उसने मुझे कहा ही नहीं मेरा नाम लिखो। तो डिपार्टमेंट ने बोला वो हमें नहीं पता जी। इट मीन सिंपल सी बात है कि अगर आपने उसका नाम लिखा तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग तो हो रही है, और उसके बदले 2 लाख रुपए कंसीडरेशन यहां पे आ रहा है तो जीएसटी तो लगेगा। अब मार्केट में इतनी जबरदस्त लिटिगेशन छिड़ गई, चैरिटेबल ट्रस्ट जिन लोगों के नेम प्लेट पे नाम लिखता था ना, सब काम पर जीएसटी लगाना स्टार्ट कर दिया। और आपको मैंने पहले भी कहा था, याद करो कई बार आपने जब मंदिरों के अंदर देखा होगा ना, जब धर्मशाला बनी होती है तो धर्मशाला में जो भी कमरे होते हैं ना, उस कमरों की कई बार नेम प्लेट के ऊपर भी लिखा होता है कि ये कमरा इस पर्सन ने एक्स की याद में बनवाया। एक्स का मतलब नालायक, वो नहीं एक्स, वो एक्स का मतलब इस पर्सन। कई बार नाम लिखा होता है कि इस मतलब इस पर्सन के लिए बनवाया, इस पर्सन के लिए बनवाया, ये जो जल पीने वाला जो कैंपर है, जो जल पीने वाला मतलब जो भी वहां पे बना हुआ है, ये पर्सन इसने बनवाया। इट मीन सोच के बोलना। अब जहां जहां पर कई बार आपने देखा होगा मंदिरों गुरुद्वारों में ये कई बार ना नेम प्लेट होती है, अब जब हम उस नाम को बार बार पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर्सन का नाम हमारे माइंड में घूमता है, तो वो एक्चुअल में कई बार हमें क्या लगता है कि मार्केटिंग हो रही है, बट कई बार वो पर्सन नहीं बोलता सर मेरा नाम लिखो। ऑब्वियस बात है कई बार लोग नहीं बोलते, बट वो गुरुद्वारे वाले मंदिर वाले खुद ही अपनी इच्छा से लिख देते हैं। अब जब डिपार्टमेंट ने बोला तुमने की मार्केटिंग, उसके लिए तुमने पैसा लिया, तो भैया जीएसटी लगेगा। तो फाइनली अब गवर्नमेंट ने यहां पर क्लैरिफाई कर दिया कि भैया हम क्लैरिफाई तुम्हें कर रहे हैं कि तुम्हें केस टू केस चेक करना पड़ेगा ये केस कौन सा है। इट मीन्स अगर डोनर ने, प्लीज ध्यान सुना, अगर डोनेशन देने वाले ने ये जो इसको डोनेशन दी है ये प्योर डोनेशन है, इसमें कहीं उसकी इंटेंशन गलत नहीं है, उसने कहीं नहीं कहा मेरी मार्केटिंग करो, तो अगर ऐसा केस होगा ना उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर डोनर ने कहा है कि मैं तुम्हें डोनेशन दूंगा, तुम्हें मेरा नाम लिखना पड़ेगा, तो भैया इस केस में मार्केटिंग
एडवर्टीजमेंट की सर्विस मानकर हम जीएसटी एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो यार प्रैक्टिकल लाइफ में जितने मंदिरों में आप नेम प्लेट देखते हो, जितने मंदिरों में एक स्लेट लगी होती है, मुझे नहीं पता कि आपने देखी है नहीं देखी सर, आपने मंदिरों में गुरुद्वारों में कहीं ना कहीं कभी जरूर ऑब्जर्व करना, कई बार कमरे के बाहर लगी होती है, कई बार इतने बड़े बोर्ड लगे होते हैं, कई बार जहाँ पे जल प्याऊ होता है उसके ऊपर लगी होती है, जहाँ पर जोड़ा घर होता है चप्पलों वाला वहां पर लगी होती है कि जोड़ा घर इसने बनवाया, जहां पर कई जगह फॉर एग्जाम्पल मान लो कई व्यवस्था होती है वहां पर लगा होता है कि ये चीज जो है इसने बनवाई। तो जहां जहां पर नाम लगा होता है, अब वो हमें हर केस में देखना पड़ेगा कि क्या डोनर ने कहा था नाम लिखने को। अगर डोनर ने नहीं कहा, ये प्योर डोनेशन है, अपनी इच्छा से की गई डोनेशन है, उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं तो डिपार्टमेंट अब यहां पे जीएसटी लगा सकता है। देखो यहां पर अमेंडमेंट क्या ही है, देखो जी, एक चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मतलब कोई भी है, एक ट्रस्ट होना चाहिए। अब इस मिस्टर गोलू है मान लो, सर ये गोलू कौन है, मैंने वैसे मेरे को नाम अच्छा लगा था मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब गोलू अगर आप में से किसी का घर का नाम है तो उनकी बात कर लेते हैं। मिस्टर गोलू है, उसने इसको डोनेशन दी, चाहे वो कैश में दी, चेक में दी, एसेट में दी, किसी भी तरह से इसको डोनेशन दी है। और इस मंदिर के बाहर ना, इस गुरुद्वारे के बाहर, इस ट्रस्ट के बाहर एक नेम प्लेट लगी है, देखो उस नेम प्लेट में गोलू का नाम है कि गोलू ने डोनेशन दी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या अराइज होती थी, डिपार्टमेंट ये बात बोलता था ट्रस्ट मार्केटिंग कर रहा है बदले में डोनेशन हैंड सप्लाई। भाई ट्रस्ट मार्केटिंग कर रहा है और बदले में उसने डोनेशन दी है तो विद कंसीडरेशन है, तो इस केस में सप्लाई बनाकर हम जीएसटी लगा देंगे। अब ट्रस्ट वाला ये बात कहता है, सर डोनर ने हमें नहीं कहा मार्केटिंग करने को, उसने हमें बस डोनेशन दी है, हमने खुद उसका नाम लिख दिया, तो ये सप्लाई कहां बना, ये तो डोनेशन है ना, उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फाइनली सर्कुलर यहां पे आ चुका है और गवर्नमेंट कह रही है एनालिसिस करोगे फैक्ट ऑफ एवरी केस, मतलब हर केस को आपको देखना पड़ेगा और हर केस को अलग अलग देखने के बाद ही आप हमें बताना कि इस केस में जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। अब बच्चा कह रहा है सर ऐसा तो फिर हर केस में दिक्कत है कि गवर्नमेंट ने पता क्या किया है, तीन कंडीशन क्लैरिफाई कर दी, और अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो इस नेम प्लेट पर जो उसका नाम है उसके लिए जो डोनेशन है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी फिर जीएसटी लग जाएगा। अब आपको दिखाता हूं वो कंडीशन क्या है, देखो जी ये आपकी अमेंडमेंट नंबर 2 है, देखो क्या लिखा है, लेवी ऑफ जीएसटी ऑन सर्विस ऑफ डिस्प्ले ऑफ द नेम और प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट्स ऑफ द डोनर इन द प्रीमाइस ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग डोनेशन और गिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर, लोग ऐसा काम करते थे, तो ये सारी कहानी देखो वही लिखी हुई है। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ऑल दी थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड, नेमली द गिफ्ट और डोनेशन इज मेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, पहली कंडीशन तो ये, द पेमेंट हैज द करेक्टर ऑफ द गिफ्ट और डोनेशन, पेमेंट का करेक्टर सिर्फ डोनेशन का हो, एंड द पर्पज इज फॉर फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोटिक इसका मतलब, फिलेंथ्रोपिक का मतलब क्या है, दैट इज लीड्स नो कमर्शियल गेन, इसमें उसमें कोई कमर्शियल गेन ना हो। अगर उसमें कोई कमर्शियल गेन नहीं होगा, इट मीन्स उसने हमें नहीं कहा होगा कि हमारा नाम लिखो, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं देन नोट एडवर्टीजमेंट, उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, अदर केस में जीएसटी आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये बात ध्यान। तो वैसे छोटी सी अमेंडमेंट आई है सप्लाई के चैप्टर में सर, दो अमेंडमेंट आई हैं और दोनों ही बिल्कुल सिंपल हैं, इनको मैं 5 मिनट में अगर खत्म करना चाहता खत्म कर सकता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले अमेंडमेंट क्या निकल के आई है, अगर स्टेट गवर्नमेंट आज सप्लायर को एल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस ग्रांट करती है, उसके बदले जो लाइसेंस फीस लेती है, उस काम पर पहले आर्ग्यूमेंट था, अब नोटिफिकेशन आ चुकी है, उस काम पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड अमेंडमेंट ये निकल के आ रही है कि भैया आज मंदिरों में, गुरुद्वारों में, कहीं पर भी, हॉस्पिटल में जो ट्रस्ट है उन पे जो नेम प्लेट लगी होती है लोगों के नाम की, अब नेम प्लेट लगी होती है लोगों के नाम की वो उसको डोनेशन देते हैं, अब दो केस होंगे, या तो डोनर ने कहा होगा कि भैया मेरे को कमर्शियल मार्केटिंग करनी है ताकि जो आपके मंदिर में आए, जो आपके गुरुद्वारे में है, सब लोग मेरा नाम जाने, साथ में मेरा नंबर भी लिख दो और साथ में बिजनेस भी लिख दो। अब अगर ऐसा किया जा रहा है भैया, फिर तो प्योर मार्केटिंग है ना, तो अगर प्योर मार्केटिंग है लाइबल टू पे जीएसटी। बट अगर डोनर ने कहीं नहीं कहा मेरा नाम लिखो, उसने अपनी स्वेच्छा से लिखा, अपनी मर्जी से लिखा, उस केस में जीएसटी की बात नहीं होगी, ना तो हम सप्लाई मानेंगे ना ही हम जीएसटी लगाएंगे। तो बस सेकेंड अमेंडमेंट ये निकल के आई है कि भैया चैरिटेबल ट्रस्ट अगर उसका नेम प्लेट पे नाम लिख रहे हैं, उसके बदले डोनेशन आ रही है और ये प्योर डोनेशन है, तो दैट इज नॉट ए सप्लाई, उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी, तो देखो
ये सारी बातें आपकी वही अमेंडमेंट की जो सॉरी जो जीएसटी की बुक है ना उसका लास्ट चैप्टर जो है वो जीएसटी अमेंडमेंट का आप बुक में देखोगे आपको मिल जाएगा, उसके अंदर पहले चैप्टर के अमेंडमेंट। बाकी सारी अमेंडमेंट ऑलरेडी हम क्लास में कर चुके हैं, ये अमेंडमेंट मेरी क्लास के अंदर बैलेंस थी, मैंने आपको कहा भी था मुझे याद करवा देना, बट आप में से आप तो भाई साहब कहते हो कि हम क्यों कराएं हमारा तो सिलेबस बढ़ जाएगा। इधर देखो ध्यान से, तो आपको मैं ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों को भी दूंगा, फेस टू फेस वाले बच्चों को भी डाल दूंगा, ठीक है जी, ताकि वो भी देख लें, ऑनलाइन वाले भी देख लें और यूट्यूब फैमिली वाले तो देख ही लेंगे, ठीक है जी। तो ये दोनों अमेंडमेंट क्लास सॉरी दोनों अमेंडमेंट जो हैं अब जाके हमारी खत्म हो जाती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का अब आगे बढ़ सकते हैं। तो दो अमेंडमेंट हमने कौन कौन से कंप्लीट किए लास्ट टाइम बोल दो जी। अमेंडमेंट नंबर वन जो लाइसेंस ग्रांट होगा अल्कोहलिक लीकर का, उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। अमेंडमेंट नंबर टू हमने क्या की है कि जो भी मंदिरों के बाहर नेम प्लेट होगी अगर उसके बदले डोनेशन है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, अगर वो प्योर डोनेशन है, और अगर वो कमर्शियल सब्सटेंस उसके अंदर इंक्लूड है मतलब मार्केटिंग की स्मेल आ रही है उस केस में जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। लो जी, तो इस अमेंडमेंट के अगर अपने नोट्स बनाने हैं तो ये नोट्स बना सकती हो जी। ये अमेंडमेंट नंबर टू है, इसको एक बार यहां से उतार लो। ठीक है जी, चलो जी फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास में। अमेंडमेंट क्लास नंबर टू होपफुली कल शाम को आ जाएगी और उसमें अमेंडमेंट हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक आपका होगा वैल्यूएशन का। तो एक वैल्यूएशन के टॉपिक में भी छोटी सी अमेंडमेंट बिल्कुल आई है, या एक टॉपिक आपका आईटीसी का है उसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है वो डिस्कस कर लेंगे, मतलब जो अमेंडमेंट होगी वो अमेंडमेंट कल हम शाम को डिस्कस करेंगे, आपको बताऊंगा अमेंडमेंट क्या है। उससे पहले अमेंडमेंट क्लास नंबर वन पूरी देख लेना, सबको भेज देना जितने सीएस के इंडिया के अंदर बच्चे हैं सबके पास पहुंच जाए कि अमेंडमेंट क्लास नंबर वन आ चुकी है। मैं चैप्टर वाइज डालूंगा, पूरी बड़ी बड़ी नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे पूरा भरोसा आपके ऊपर कि आप पूरी क्लास नहीं देखते, ठीक है ना, और आप शेयर भी नहीं करते वो तो मुझे पता है, बट मेरा फर्ज बनता है कि आपको याद करवाना कि आप भी मेरी फैमिली के मेंबर हो, आपका भी एक फर्ज बनता है कि आपको भी सपोर्ट करनी है, हर बच्चे के पास अमेंडमेंट क्लास होनी चाहिए। वो काम लाइफ में कभी मत करना कि मैं पढ़ लूँ दूसरा ना पढ़े, बिलीव में उसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपके लिए पूरे मतलब दिल से काम कर रहा हूँ, आपको भी दिल से पढ़ना है और हर बच्चे के साथ शेयर करनी है कि भाई इनकम टैक्स के अमेंडमेंट क्लास भी डल चुकी है, जीएसटी की सर ने डाल दी है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, सारी अमेंडमेंट हम यहीं पे देखेंगे और सारी अमेंडमेंट हमारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब अमेंडमेंट खत्म होंगी ना देन फिर हम इनकम टैक्स की रिविजन क्लास लेंगे 14 घंटे की, ठीक है जी। खुश हो मेरे, आप हंसते हो ना बड़ा अच्छा लगता है, आप हंसते रहा करो यार, जिंदगी एक बार है हंसते रहा करो मेरे नोनू मेरे सोनू मेरे नू, हंसते रहा करो बस, ठीक है ठीक है। चलो जी तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अमेंडमेंट क्लास नंबर टू कल शाम को आपके अमेंडमेंट क्लास नंबर टू आ जाएगी, उससे पहले अमेंडमेंट क्लास नंबर वन देख लेना। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखो, उनकी सेवा करो, उनकी ब्लेसिंग्स लो, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की सोचो और नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी की तरफ आओ, आपका मुकाम बहुत आगे जाने वाला है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच यार, गॉड ब्लेस यू।